सो हे गाइस वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो। मैं हूं मनीष, होपफुल आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरर गेमिंग। तो गाइस आज का टॉपिक आपका थर्ड इंक्यूबेटर है। तो अभी आपका एमटन का इंक्यूबेटर चल रहा है जो कि आपका 9 डेज के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो इंक्यूबेटर आएगा मैं आपको वीडियो पहले से दे चुका हूँ, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। तो उसके बाद जो इंक्यूबेटर आएगा वो आपका रैपर बंडल है, और वो बंडल आपका कैसा दिखता है मैं ये वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वेलकम टू अनदर फैबुलस एपिसोड। तो गाइस आज का टॉपिक आप सभी लोगों तो पता चल गया होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना, और वो जो साइट पर जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑन करके रखना ताकि हमारा सब वीडियो आपको पहले व्यू देखने के लिए मिले। तो गाइस आज का टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता है थर्ड इंक्यूबेटर। तो पहला कॉस्ट्यूम कैसा दिखता है चलिए वीडियो को देख। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो ये है गाइस आपका 6 बंडल और उसके साथ आपका ब्लू प्रिंट जो कि आपका थर्ड इंक्यूबेटर है। तो इसमें 3 मेल बंडल और 3 फीमेल बंडल है। बाकी इसमें से कौन कौन सा बंडल आपको अच्छा लगे, कौन सा बंडल अच्छा नहीं लगे मुझे कमेंट पर जरूर बोलना। अभी इसका नज़दीक जाके थोड़ा देखते हैं क्या कुछ है। तो बस ये बंडल और ये आपका ऑरेंज कलर का है और ये 5 आइटम्स है, 5 आइटम। और उसमें से आपको कौन सा पर्सनली पसंद है मुझे कमेंट पे जरूर बोलना। बाकी मुझे पसंद आया ये आपका कैप, तो इतना भी खास नहीं है। और उसका जो सनग्लास और मास्क है वो मुझे पसंद आया। और उसका जो ड्रेस है उसमें जो एनिमेशन जो आपका टैटू है, टैटू में जो एनिमेशन निकल रहा है वो पसंद आया। और पैंट शू देखा जाए तो इतना भी खास नहीं है। बाकी आपका जो मास्क और सनग्लास बहुत तगड़ा है, एनिमेशन निकल रहा है वो भी बहुत ही भारी है। तो आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट पे जरूर बोलना। बाकी फीमेल बंडल देखा जाए तो फीमेल बंडल इतना भी बुरा नहीं है। तो चलिए फीमेल बंडल को एक बार देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपका फीमेल बंडल और इसमें भी सेम आपका एनिमेशन देखने को मिलेगा। बाकी हेयर स्टाइल तो बहुत ही ओपी है भाई। मेल बंडल में देखा जाए तो हेयर स्टाइल इतना भी खास नहीं है और फीमेल बंडल में हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है। और एनिमेशन आपका हैंड राइट हैंड से ही निकल रहा है, जो टैटू है उसमें ही निकल रहा है। बाकी मुझे देखा जाए तो पर्सनली कस्ट्यूम अच्छा लगा, जो ड्रेस है। आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बोलना। और उसका हेयर स्टाइल भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब क्या बोलूँ। तो वैसे शू और ये पैंट इतना भी खास नहीं है हर बंडल का देखा जाए तो इंक्यूबेटर में। अभी ये आपका पहला इंक्यूबेटर बंडल है जो कि आपको 7 इंक्यूबेटर में देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट इंक्यूबेटर आपका ये होने वाला है जो कि आपका वाइट लुक है, वाइट कलर है, और ये भी आपका 5 आइटम है। उसमें से आपको कौन सा आइटम पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बोलना। मुझे तो इसका मास्क और हेयर स्टाइल तो इतना भी खास नहीं है, कुछ खास भी नहीं है, सब कुछ सेम कलर है। बाकी चश्मा और मास्क बहुत ही बहुत भारी है और ड्रेस भी कस्ट्यूम भी बहुत ही भारी है। पैंट भी ठीक ठाक लग रहा है, शो भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी देखा जाए तो बंडल में एनिमेशन आपका पहला बंडल का जैसा एनिमेशन इधर नहीं देखने के लिए मिलेगा। और इसका कस्ट्यूम पे आपका एनिमेशन जो गन है वही एनिमेशन दे रहा है सर, वही एनिमेशन है। और डिटेल देखा जाए तो गाइस पहला बंडल इससे थोड़ा बेहतर था मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट पे जरूर बोलना। बंडल इतना भी खास नहीं है देखा जाए तो, फिर भी इंक्यूबेटर का बंडल है तो थोड़ा बहुत अच्छा देता दिया होता गरीना तो मेरे ख्याल से और थोड़ा बेहतर होता। वैसे बंडल दोनों बंडल में से आपको बंडल कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बोलना। अभी उसका फीमेल बंडल देखते हैं। वैसे फीमेल बंडल भी आपका व्हाइट कलर है और फीमेल बंडल का हर बंडल फीमेल का बहुत ही खतरनाक है भाई। उसका हेयर स्टाइल मतलब एनिमेशन और इयर रिंग और भी थोड़ा एनिमेशन दे रहा है।
बाकी इसका बॉडी में एनिमेशन शायद नहीं दिख रहा है इतना भी। हाँ, इसका हेयर स्टाइल पे एनिमेशन लग रहा है, बाकी मास्क तो पूरा घटिया है, कुछ अच्छा भी नहीं है। बाकी बंडल में चाहा एनिमेशन, उसका हैंड पे एनिमेशन निकल रहा है, जो गोल्डन कलर का जो क्या बोलते हैं उसको, बोल गया क्या बोलते हैं यार उसको, ग्लोब्स पे जो गोल्डन कलर है वही आप एनिमेशन दे रहे हैं, बाकी बैक साइड थोड़ा बहुत एनिमेशन दे रहा है। फिर भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से पहला इंक्यूबेटर का बंडल ही मेरे ख्याल से अच्छा था, और उसका जो फीमेल बंडल था वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये इतना भी खास नहीं है, उसका कलर वाइट है तो इतना भी मुझे खास नहीं लगा। बाकी आपको ये दोनों बंडल में से कौन सा बंडल अच्छा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बोलना। वाइस कमेंट क्या करो यार, क्योंकि आपका कमेंट, हर कमेंट मेरे जो मैं काम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो आपका एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन रखता है। तो वाइस थोड़ा कमेंट किया करो, क्योंकि बिना सपोर्ट होने वाला भी नहीं है। वाइस प्लीज़ यार कमेंट किया करो। अभी चलिए बढ़ते हैं उसके थर्ड कॉस्ट्यूम के तरफ। वाइस थर्ड कॉस्ट्यूम आपका वायलेट कलर का है, और क्या यार कैसा बंडल दिख रहा है यार, इंक्यूबेटर में कुछ बंडल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पहला बंडल ही अच्छा लगा। बाकी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है, उसका कैप ही है, बाकी मुझे मास्क और अरे सेम प्रॉब्लम है यार। हर इंक्यूबेटर में सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन ये इंक्यूबेटर थोड़ा अलग दिख रहा है मेरे को। इसका जो पहला बंडल था वही मुझे पसंद है, बाकी ये दो बंडल इतना भी खास नहीं लग रहा है। फीमेल का तो अलग है, लेकिन मेल का इतना भी खास नहीं लग रहा है। बाकी रैपर बंडल है तो कुछ एनिमेशन थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, तो मुझे मेरे ख्याल से अच्छा होता। बाकी आपको कैसा लगा बंडल मुझे कमेंट पर ज़रूर बोलना। और ये था आपका फीमेल बंडल, इतना भी खास नहीं है। बाकी आप कौन सा बंडल निकालने वाले हो मुझे कमेंट पर ज़रूर बोलना, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कमेंट कीजिए, फिर भी आप कमेंट नहीं कर रहे हो, वीडियो को देखते हो लेकिन कमेंट क्या करो यार, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे हर बार मोटिवेशन देता है, और मेरा जो मैं जो काम कर रहा हूँ आपका कमेंट मुझे बहुत ही फायदा लगा है। वैसे चलिए अभी उसका ब्लू प्रिंट देखते हैं। तो ब्लू प्रिंट आपका वही फेस के रिलेटेड ही है, पहला फेस रिलेटेड है। आपका इस इंक्यूबेटर आपको कैसा लगा कमेंट पर मुझे ज़रूर बोलना, और कौन सा इंक्यूबेटर क्या टीम रिलेटेड आप सभी लोगों तो देख लिए, अभी आप कौन सा निकलने वाले हो मुझे कमेंट पर ज़रूर बोलना। तो गाइस ये आपका नेक्स्ट डायमंड रॉयल, अभी तो आपका ये मेल बंडल है, और फीमेल बंडल तो ये रहा आपका फीमेल बंडल। तो फीमेल बंडल भी आपका इतना भी खास नहीं, मैं मेल बंडल निकाला था, उसमें सिर्फ आपका मास्क ही थोड़ा हाई मतलब लाइटिंग कर रहा है, और बंडल में देखा जाए तो इतना भी खास नहीं है। बंडल सिंपल सा, पूरा सिंपल सा, एनिमेशन तो टोटल नहीं है बस उसके आईज को छोड़कर। बाकी आप ये बंडल निकलने वाले हो या नहीं निकलने वाले हो मुझे कमेंट पर ज़रूर बोलना। तो बस ये था आपका थर्ड इंक्यूबेटर और डायमंड रॉयल। बाकी आपका नेक्स्ट टॉपअप क्या आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। तो बस वीडियो आज का इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ और एक नए फ्रेश अपडेट के साथ। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, और वो जो लाल वाला घंटी बटन है उसको ज़रूर ऑल पे सेट करके रखना, ताकि हमारा सब नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो गाइस वीडियो को यहीं रखते हैं, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।